की दूरी पर आईडी फटा जिसे उग्रवादियों द्वारा रोड के बीचों बीच छुपा कर रखा गया था। आईडी की में स्वर्गीय सिपाही जीडी एसडी देवर्मा और सिपाही जीडी एपी राजू के बीच में फटने के कारण दोनों घायल हो गए। साथ ही जंगल में छिपे उग्रवादियों ने प्लाटून के ऊपर अंधाधुंध गोलाबारी आरंभ कर दी, जिसके उपरांत ट्रूप्स द्वारा पोजीशन लेते हुए उग्रवादियों के ऊपर जवाबी फायरिंग किया गया। फायरिंग के दौरान शहीद सिपाही जीडी एसडी देवर्मा ने ट्रूप्स के आगे रहकर उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए घायल हो गए। घायल रहने के बावजूद भी शहीद सिपाही जीडी एसडी देवर्मा ने उग्रवादियों के ऊपर फायर करते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक कर रखा। शहीद सिपाही जीडी एसडी देवर्मा गंभीर रूप से घायल होने के कारण वीर गति को प्राप्त है। आज हम अपने ही साथी के एक के शहीद के होने के कारण इस रोड के नामांकन को इस कारण से कर रहे हैं कि लोग ये जाने कि उनके ही गांव से देश की सेवा के लिए एक जवान ने अपनी जान कुर्बान की है और शहीद हुए हैं। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से अपने आईजी सेक्टर त्रिपुरा श्री रविदीप साई साहब की तरफ से सांत्वना देता हूं और शहीद को याद करता हूं। और मैं आशा करूंगा कि अगर हम आपके किसी काम में आए तो आप बेझिझक हमको बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।